No. Yesterday we started off with the short sums. And I remember ab apne khali char hi short sum baki hain that will complete our chapter. Acha, did you people start learning the format of the trading account, profit and loss and P&L aur learning karna chalu kara tumne? आज मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं, आज मैं बता दूंगा कि तुमको कौन सा फॉर्मेट कैसे याद करना है. स्मिथ भाई, अपने को एक हफ्ता खड़ा रहना था बेटा, ऐसा गुल्ली मार दोगे तो फिर वो महीना हो जाएगा. नाउ वी गो टू पेज नंबर 30 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 2. पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 2. Amruta and Divya are the partners of the firm. Their capital ratio is how much? 3:2. Underline, their capital ratio is 3:2. Now Amruta is to be paid 8% commission on profit, underline the word, after deducting such commission. अच्छा, हैव यू सीन दिस आफ्टर डिडक्टिंग वाला वर्ड प्रीवियसली कहीं पर? और उसमें हमने कोई कमीशन का फॉर्मूला बनाया था, अगर तुम्हें याद हो तो. कौन सा था फॉर्मूला, कमीशन का फॉर्मूला कौन सा था? रेज योर हैंड. आफ्टर वाले में मैंने कहा था एक फॉर्मूला भी लिख लो, और फिर वो फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा. भक्ति, Can I say commission का formula क्या बना था? Profit into upon 100 plus, क्योंकि यहाँ पर देखो वापस वो शब्द use किया है, 8% हमको commission देना है on profit after deduction of such. What is the amount which is received by whom? Amruta. If the profit of the year is how much? 96876. तो बेटा यहां जरा ध्यान, पेज नंबर 30 पर सम नंबर 2. ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड, ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड, ड्रॉप योर पेन्स, पे अटेंशन. कैन आई से, व्हेनेवर वी वर डूइंग अ बिग सम, हमने जब भी बड़ा सम किया था, हम उसमें वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाते थे, सारी एडजस्टमेंट हम पहले कर देते थे सिर्फ कमीशन को छोड़ के. तो उसमें मुझे मिलता क्या रहता था जरा समझो. I was having profit before commission. If you remember, हम जब ये commission का working करते थे तो credit side, debit side का total करके कुछ पहले profit ढूंढते थे. तो वो जो profit था वो मेरा कौन सा profit कहा जाएगा? Profit. उसमें से मैं less अगर करूं commission, मतलब commission की amount भी मैंने ढूंढ ली और उसमें से फिर मैं less कर दूं, यहां पर कितना percent बोला है? 8%. और वो लेस करने के बाद मुझे मिले क्या? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. व्हाट डू आई गेट इज प्रॉफिट. डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग व्हाट आई हैव रिटन? नो. डू यू अंडरस्टैंड द वर्किंग व्हाट आई हैव रिटन? कि हम जब भी बड़े वाले सम करते थे ना, अगर हमको ऐसा बोला है 8% कमीशन कितना किस पे है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन. तो पहले हम ऐसी वर्किंग करते थे कि हम पहले क्या ढूंढते थे? प्रॉफिट. फिर हम वो फॉर्मूला लगाते थे और फिर जो आंसर आता था कमीशन का वो हम यहां पर लिखेंगे और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. या तो ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो मिला वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है वो भी हम बोल सकते हैं, यस और नो. मतलब बद्दी एडजस्टमेंट करिया पछी छल्ले हूं कमीशन फाइंड आउट करू, अने प्रॉफिट माथी कमीशन माइनस करिया पछी जे प्रॉफिट वधे ए आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था. अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना. अब मेरे को कमीशन के लिए, मैंने जैसा कहा कमीशन के लिए मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ा? प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. बराबर है? नाउ सम में मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है, देखो 9, 6,
876 मेरे को क्या दिया है प्रॉफिट बिफोर, फिर मेरे को कमीशन कितना है वो ढूंढना है, एंड देन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्या है वो भी हम एक बार ढूंढ लेंगे, बोला नहीं है लेकिन ढूंढ लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बनाना पड़ा जरा समझो, हमको जो ये 8% कमीशन ढूंढने के लिए बोल रहे हैं वो 8% किसका ढूंढना है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का जो मेरे पास है ही नहीं, इट्स मिसिंग। मतलब मुझे 8% उस प्रॉफिट का ढूंढना है जो कमीशन माइनस करने के बाद आता है। क्वेश्चन में इंग्लिश समझ में आ रहा है, आई हैव टू कैलकुलेट 8% कमीशन ऑन व्हाट, ऑन प्रॉफिट विच इज कमिंग आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन विच इज नॉट देयर विथ मी, कमीशन इज ऑल्सो नॉट देयर विथ मी, कि इनके 8% तो आना लेवाना छे, अरे ये तो छे नहीं मारी पासे, तो मारी पासे छे सू प्रॉफिट बिफोर, एंड बिकॉज आई हैव दिस प्रॉफिट बिफोर कमीशन मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इसलिए मैंने कहा था कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला यूज कर लो, और वो शब्द कौन सा पकड़ने का, आफ्टर डिडक्शन, शब्द कौन सा पकड़ना है, जैसा ही वो शब्द देखो सीधा कमीशन का फॉर्मूला मार दो, क्या प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस। लेकिन ये फॉर्मूला बनाने के पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो 8% कमीशन चाहिए, क्या चाहिए, वो कौन से प्रॉफिट पर चाहिए, जो नहीं है मेरे पास, जो तो अगर ये नहीं है तो ये 8% हम सीधा नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा सीधा नहीं लगा सकते, इसलिए देयर इज अ फॉर्मूला फॉर अस टू गेट दैट कमीशन वाली अमाउंट। एक बार फॉर्मूला लगा दी जो ये सो आज फॉर्मूला जरा जो दो 96876 into what's the rate upon 108 717, तो 7176 कमीशन आ गया, उसको माइनस करो तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आएगा, 89 89700। बेटा प्रॉफिट में से ये कमीशन माइनस कर दूं तो मेरे को ये डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा 89700। कैलकुलेटर उठाओ सारे, कैलकुलेटर उठाओ, 89700 का 8% निकालो, 89700 का 8% निकालो, देखो सीधा 8% से 7176 आ गया, लेकिन वो 8% सीधा इसका हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो था ही नहीं हमारे पास, अपने पास क्या था, प्रॉफिट। दैट इज व्हाई आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला गेट द कमीशन पुट इट ओवर हियर, माइनस करके ये आएगा, और वो बोल किसका रहे हैं 8% ये प्रॉफिट का बोल रहे हैं जो अपने पास नहीं था, એટલે ફોર્મ્યુલા લગાડવી પડી, ખબર પડે છે। હવે અગર નથી સમજાતું તો બેટા જસ્ટ રીમેમ્બર ધ ફોર્મ્યુલા, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા, શ્યોર ડોન્ટ કન્ટિન્યુ યહાં પર ધ્યાન, અચ્છા પ્રોફિટ યે કમિશન માઇનસ કરને કે બાદ મેરા ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કિતના આયા, મેરા ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કિતના આયા 89। अब ये जो कमीशन ये प्रॉफिट जो आया वो अमृता और दिव्या बांट लेंगे एक दूसरे में, कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2। चलो 3:2 क्या दिया है, 3:2। देखो हम कैसे अंधों की तरह बिहेव करते हैं, साला जो भी रेशियो दिया है उसमें बस बांटो, प्रॉफिट बांटो, देखो तो सही वो किसका रेशियो है, इट्स ऑफ कैपिटल रेशियो, तो प्रॉफिट के लिए कोई रेशियो दिया है, अगर रेशियो नहीं दिया है तो
अमृता को कितने मिलेंगे? 4850. दिव्या एंड कैन आई से अमृता को ये कमीशन भी मिल रहा है ना, प्लस ये कमीशन भी अमृता को मिला 7176. तो टोटल कितना बैठता है? 5206. कितना टोटल अमृता का शेयर है? हो गया कर लो, हो गया सम. सर आप खोटू तमें तैयारी वेसन समझावानी कोशिश करता था, मन तो हजी नहीं खबर पड़ी अने हूँ तो फॉर्मुला गोखी लईश पेलू आफ्टर जोई छे એટલે तरत फॉर्मुला. Please be quiet. Then we go to the next sum. Come on. बेटा हो गया, yes, हो गया. बेटा हो गया. कैन गो टू द नेक्स्ट सम. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट सम. उसमें भी ऐसा कुछ पॉइंट आने वाला है, जरा ध्यान देना, ध्यान देना. विस्मय अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:2:4. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन व्हाट प्रोपोर्शन? नाउ मैनेजर इज टू बी गिवन हाउ मच कमीशन? अगेन अंडरलाइन करो. ऑन विच प्रॉफिट? आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सच शेयर. द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ होम अभिजीत इज हाउ मच? द शेयर ऑफ अभिजीत इज हाउ मच? मुझे ढूंढना क्या है? अपने को ढूंढना क्या है? मैनेजर का, मैनेजर का. बहुत बढ़िया. अब इकड़े ध्यान बेटा, इकड़े ध्यान. अगेन लेट मी कंप्लीट द सम, देन यू कॉपी, देन यू कॉपी. सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन. उसमें से हम ये 10% कमीशन माइनस करें तो अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. या तो उसको हम दूसरा शब्द क्या है उसका? डिविजिबल प्रॉफिट. अब जरा ध्यान दो, आर वी गिवन विद एनी प्रॉफिट बिफोर कमीशन इन द क्वेश्चन? नो, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. 10% कमीशन क्या अभी हमने ढूंढ लिया? नो. यहां से प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी? एक की इंफॉर्मेशन दी है. किसकी? अभिजीत को. कितने मिले अभिजीत को? कितने मिले? यहां से जो भी मेरा डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे. कौन है पार्टनर? विस्मय अभिजीत, अभिजीत. ओके, नाउ अभिजीत को कितना प्रॉफिट मिल गया?
अभिजीत को कितना मिल गया? 30,000. जरा इनका पीएनएल का रेशियो को दिया है कि देखो इक्वल है, दिया 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 है. क्या है रेशियो? 3:2:4. बोले तो 3/9, 2/9 अने. तो कहना से अभिजीत को ये जो शेयर मिला है वो 2/9 का मिला है. अभिजीत को जो 30,000 मिले हैं, that is for 2/9 शेयर. Yes or no? Yes. तो कहना से विस्मय को कितने मिल रहे हैं? तो उसकी अमाउंट क्या होगी? क्या मैं एस्टिमेट कर सकता हूं? रेज योर हैंड. कैसे कैसे? हाँ बेटा, कैसे? 45. कहना है इकड़े ध्यान. 2/9 के लिए अगर इसको 30,000 मिल रहा है तो 3/9 के लिए कहना से क्रॉस द मल्टीप्लाई. कैसे? 30,000 इंटू 3/9 डिवाइड बाय. सो ये कट हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा विस्मय की अमाउंट मिल जाएगी 45. कैसे सर, ये कैसे आ रहा है? आर यू गेटिंग इट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पार्ट? 2/9 के लिए अगर 30 है तो 3/9 के लिए कितना? उसी तरह से बेटा कुणाल को कितने मिल रहे हैं? 4/9. सो 4/9 के लिए उसे कितने मिलने चाहिए? क्या से वापस अभिजीत के साथ ही करें? क्या अभिजीत को 2/9 के लिए अगर 30 है तो कुणाल को 4/9 के लिए कितने? सो क्रॉस द मल्टीप्लाइज द अगेंस्ट. बेटा से 9-9 कट हो जाएगा. अने 60,000 आ जाएगा. किसका शेयर? कुणाल का. अब गधो, ये तीनों को प्लस कर दूं तो ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल जाएगा. Yes. कितना है? कितना है? कहना से 60,000 प्लस 45 प्लस 30,000 तो दैट मिल गिव मी 1,00,000. 1,35,000. अब ये 10% मैनेजर का कमीशन किस पे निकालना है? तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? सीधा है ये प्रॉफिट मेरे पास, तो इसका 10%, तो 13,500. ने प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आएगा? 1,48,000. इसमें ये प्लस कर दिया तो 1,48,500 आ गया. बेटा सम हो गया है, कुछ समझ में आया है? श्योर श्योर. बेटा नीचे से ये अपने आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट पहले ढूंढ लिया, फिर सीधा ही बोल रहे हैं कि कमीशन इस पे ढूंढो, तो सीधा इसका 10%.
बेटा सम हो गया, सम हो गया। जब बेटा अभी मैं बाहर तुम्हारी होमवर्क की बुक्स देख रहा था, सुपरवाइजर चेक कर रहे हैं, बेटा क्या रद्दी फॉर्मेट बनाते हो यार तुम होमवर्क में, पेंसिल स्केल का कुछ ठिकाना नहीं है। आई हैव इंस्ट्रक्टेड देम कि फ्रॉम टुमारो इफ द फॉर्मेट एंड ऑल इज नॉट प्रॉपर ना, तो तुम्हारा इनकम्प्लीट होमवर्क का ही घर पे मैसेज जाएगा। जब मैं सम कर रहा हूं तो प्रेजेंटेशन एंड ऑल, डोंट यू फाइंड इट इज प्रॉपर? कि ऐसा रबिश लग रहा है कि कहीं पर भी, कहीं पर मैंने स्क्रिबल कर दिया, कहीं पर भी जो पेंसिल स्केल कुछ नहीं, अंडसंड गंदा फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट लिखने का ठिकाना नहीं, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में बस इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, जर्नल एंट्री का कोई फॉर्मेट नहीं, नो नरेशन आफ्टर दैट। तो बेटा मैं अगर उनकी जगह पर रहता हूं, तुम्हारे सामने वो पेज फाड़ फाड़ के तुम्हारे मुंह पे मारता। अपने रूम में, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा रूम है बेटा, एमा गंदवाड़े रहते हैं हम, कपड़ा ही उलड़े, चौपड़ा ही उलड़े। डू यू लाइक टू लिव इन अ क्लीन हाउस और अ शैबी हाउस? तुम्हारे घर के बाथरूम गंदे होते हैं तो तुम्हारी किताबें क्यों ऐसी तुम्हारे बाथरूम के जैसी गंदी हैं? सुधर जाओ, नहीं तो मैं वो वहां से बुक लेके तुम्हारे सामने वो पूरी बुक फाड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अभी तुमको पता नहीं है कि अभी तुम लोगों के लिए कैसा भी मारने का चालू करने के मेरे को। तो सिस्टमेटिक हो जाओ। पेंसिल स्केल अगर नहीं है तुम्हारे पास तो कल बोलो, 80 के 80 लोगों को गिफ्ट कर दूंगा मैं। लेकिन सिस्टमेटिक काम चाहिए मेरे को, एकदम सिस्टमेटिक। Sure. Let's go to the next sum. बेटा पेज नंबर 31 पर सम नंबर सेवन, राम रहीम एंड इशू। कम्युनल सम है ये पूरा, सारे कम्युनिटी के ले लिए भगवान को। ये सम तो सही पढ़ना ही चाहिए अपने से, भगवान अपने साथ है। राम रहीम एंड इशू आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1/4/2016 इज हाउ मच? 60,000, 40,000 एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इट वॉज रियलाइज दैट 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज मिस्ड आउट। देखो व्हाट इज मिस्ड आउट, मतलब हमने करा क्या बेटा, हमने करा क्या? कैसे लोगों का पार्टनर का कैपिटल था, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को ढूंढना था, लेकिन फाइंड करे बगैर जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जरा समझो यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने गलती क्या करी, पहले वो समझो, वो पता चल जाएगा तो मैं जो भी वर्किंग करूंगा 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जरा गलती समझाने के लिए मैं छोटू सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मिस्टेक। अच्छा, अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या जाता था कुछ याद है? के शॉर्ट सम में सारे शॉर्ट उधर गए हैं, याद है? Who can tell me क्रेडिट साइड क्या चीज जाती थी? क्रेडिट साइड आसिफ भाई, बहुत बढ़िया। हम नेट प्रॉफिट लिखते थे, मान लो नेट प्रॉफिट है 10,000, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लिखते थे, यस और नो? मान लो सैलरी भी लिखते थे, कौन था सैलरी? एक मिनट, मैं किधर हूं अभी?
हाँ तो मैं अभी निजाम पूरा हूँ तो तू मेरे को छाणी क्यों भेज रहा है? मैं आया अभी डेबिट में, तो सैलरी सैलरी क्यों कर रहा है? ए और बी मान लो उसके ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट कितने हैं? 1000-1000 रुपए। ओके अब बताओ डेबिट साइड क्या आएगा? शाबाश डेबिट साइड क्या आएगा? सर उसने बोल दिया था सैलरी, बोलो नहीं तो मेरे को तो याद ही नहीं है। हाँ सबसे पहली आइटम क्या आएगी? मान लो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 2000 बराबर है, फिर हमने सैलरी ले ली 500, बोनस ले लिया, बस बस होशियारी बंदा इतना काफी है, इतनी चीजों से हमने अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया है। ओके हम उसके बाद क्या करते थे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करो, सो फाइन करो, या सो मेरा 12000 देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, द सेम टोटल डेबिट में लिख के ये माइनस करो कितना है प्रॉफिट? बेटा कितना है प्रॉफिट? 7000। और ये डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या था? ए और बी में बट जाएगा, मान लो इक्वल हम बांट रहे हैं तो दोनों को कितने मिल गए? 3500। श्योर श्योर? अब जरा ये क्वेश्चन पकड़ो और हमसे जो गलती हो गई वो पकड़ो, हम क्या करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही भूल गए। तो अब इससे होगा क्या? क्या मैं इसे क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया? वही टोटल डेबिट में लिख के ये 1000 रुपए अगर मैं माइनस करूं तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 11000। एंड वो प्रॉफिट पार्टनर्स में भी फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यस और नो? यस और नो? तो बिकॉज आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट व्हाट? बिकॉज आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट व्हाट? What happened? What happened? What's the consequence? मेरा divisible profit बढ़ गया। और जैसे ही divisible profit बढ़ गया मैंने partner को ज्यादा profit दे दिया, ये गलती हुई। समझ में आई? क्या गलती हुई? यहां से interest on capital अगर हम calculate करना भूल जा रहे हैं तो जरा 2 मिनट पहले देखो, इधर 7000 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 11000। सो इफ आई फॉरगेट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन आवर डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीजेस, जो गलत है, और पार्टनर को भी हम ज्यादा पैसा प्रॉफिट का दे देंगे वो भी, तो इसको सुधारना है। इसको सुधारना है कि ये जो ज्यादा प्रॉफिट हमने पार्टनर को दे दिया उसको हमको सुधारना है। अब जरा तुम्हारी बुद्धि चल रही है? कैसे चलेगी जरा समझ में कुछ नहीं आता है। जरा तुम्हारी बुद्धि चल रही है? पहले 7000 देने आप कितने हो गए? कितने से बढ़ा? कैन आई से दैट 4000 वाज एग्जैक्ट द सेम अमाउंट ऑफ व्हाट? दैट वाज सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। It means what's the moral of the story? जितना interest on capital calculate करना भूल गए हैं उतना ही profit बढ़ेगा। 4000 भूल गए थे तो profit बढ़ा कितने से? 4000 से। लिखना शुरू करो, गजनी लिखना शुरू करे कर रहे। ये working नहीं करनी है तुमको, ये खाली मैं तुम्हारे समझाने के लिए समझाया है। हम सीधा नोट लिख रहे हैं, नोट लिखो। When interest on capital is missed out and profit is distributed amongst the partner and the profit is distributed amongst the partner, it results into
it results into higher divisible profit. It results into higher divisible profit and more distribution of profit, higher divisible profit and more distribution of profit amongst partner. Therefore, the error is to be rectified. Therefore, the error is to be rectified by passing. The error is to be rectified by passing journal entry. By passing journal entry. अब बेटा चलो वर्किंग बनाना शुरू करेंगे. पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर हैं? कौन है? ओह, इसको कैसे भूल सकते हैं हम? राम, रहीम, ईशु. टोटल कर दो. राम, रहीम एंड ईशु. हाँ ध्यानी, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है. बेटा किस बात का हंसना आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हंसते रहो बेटा, हंसते रहो, मेरे को समझ में आ गया. तुम हंसते रहो. कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बोला ऐसे. पढ़ाई में ध्यान लगा. नाम पेड़ इंजन. बट हाउ मच इज द कैपिटल गिवन ऑफ राम रहीम? 60, 40 और 50. द टोटल इज 1,50,000. ओके, अब इस कैपिटल पर मैं भूल क्या गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना. व्हाट्स द रेट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड एट 6%. तो 60,000 का 6% 3,600, 40,000 का 3,000. बेटा 3,600, 2,400 एंड 3,000 टोटल 9,000. अब बेटा स्कॉलर बैच, तुमको ये इलस्ट्रेशन दे के समझाने की जरूरत क्या पड़ी है, जरा समझो. हम ये जो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना भूल गए, जो कैपिटल, उसकी टोटल अमाउंट कितनी निकल रही है? टोटल अमाउंट 9,000. तो कहना से अब इससे गलती होगी क्या? कहना से मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितने से? 9,000 से. क्योंकि जितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए, उतने से मेरा प्रॉफिट तो कितने से बढ़ेगा? और ये 9,000 क्या से हम पार्टनर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो हम उनसे वापस ले लेंगे. सो यहां पर लिखो रॉन्ग. डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट पार्टनर. Wrong distribution of profit amongst partner. And a per amount get lije 9,000. 9,000 interest on capital calculate karna bhool kiya, to utne se hi, utne amount se hi apna profit badhega. Ab ye zara 9,000, ye Ram Rahim issue mein humne jyada profit de diya hai. Zara sum mein padho, koi profit and loss ratio diya hai?
तो कैन आई से इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 3000 3000 और 3000 3000 3000 and 3000. बट नाउ पे अटेंशन, हमको इसमें से डेबिट किसको करने का, क्रेडिट किसको करने का, जरा वो समझो। उसका लॉजिक मैंने तुमको लास्ट एक सम में सिखाया था कि हम क्रेडिट किसको करेंगे। अगर पार्टनर को, अगर अपने को कुछ देना है तो वो क्रेडिट होगा, पार्टनर से अगर वो लेना है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करना भूल गए थे वो मेरे को मेरे पार्टनर्स को देना रहता है, देना। अरे ये जो 3000 ज्यादा दे दिए वो हम उनसे वापस लेंगे, तो इकड़े डेबिट हो जाएगा। अब जरा डिफरेंस निकालो बेटा, राम 600 डेबिट के क्रेडिट करो मोटू जी भाई, सो आ क्रेडिट थी जैसे 2400 3000 करो मोटू जी डेबिट। बेटा इशू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3000 इंटरेस्ट के देने थे, प्रॉफिट के भी गलत से 3000 हमने उसको ज्यादा दे दिए थे, तो उससे ना कुछ लेना है। सो डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट ऐसा हमें कॉलम बनाना है, अने एंट्री होगी 31/3/17 को, ऑलवेज अटेंड। डेबिट कौन हो रहा है, रहीम कैपिटल इज डेबिट to Ram Capital, Rahim Capital debit to Ram Capital, the Gado amount bata do, and a narration being rectified entry passed, being rectified entry passed, बेटा तुम कौन हो, स्कॉलर बैच, बेटा तुम कौन हो, लास्ट सम जरा देखो उसके बाद वाला। क्वेश्चन नंबर 8, लता गीता एंड रवीना, हाँ चल ले ध्यान देने भाई, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, ये यार क्यों ये आफ्टर द होने के बाद ही रियलाइज होता है, देखो ऐसा लग रहा है मेरे को आफ्टर द बोर्ड एग्जाम इट वाज रियलाइज्ड कि स्टडिंग वाज इंपॉर्टेंट, ऐसा बुक में लिखा हुआ है यार, कहां पर बेटा, जब ये बुक दोबारा नेक्स्ट ईयर पढ़ने को आएगी ना तो हर एक पेज पर ये तुमको लिखा हुआ दिखेगा। हाँ वॉटरमार्क सही है बेटा। अब ये पढ़ ले, गीत मत गा। लता गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इट रियलाइज के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो कैलकुलेट करना भूल गए थे। तो जरा इधर समझो, इधर समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम वापस वो ओरिजिनल सम पर चले जाएं तो ऐसा कुछ अपना आंसर निकल रहा था, सबको याद आ रहा है ऐसा थोड़ी देर पहले ही फ्लैशबैक। अब हमने गलती क्या करी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना भूल गए। अब जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना भूल जाएंगे अल्टीमेटली देखो होगा क्या,
इधर 10,000 का टोटल हो जाएगा और 10,000 में से ये माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पहले कितने आ रहे थे? पहले कितने थे? 7,000 में अब कितने आ रहे हैं? इट मीन्स वॉट? इट मीन्स वॉट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मैं कैलकुलेट करना भूल जाता हूं तो उसकी असर किस पर पड़ेगी? प्रॉफिट पर पड़ेगी। ने प्रॉफिट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 7th और 8th दोनों सम में जरा बुद्धि चलाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर भूली जाइस तो प्रॉफिट पर असर पड़ से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूली जाइस प्रॉफिट पर असर पड़ से, એટલે કઈ પણ કરવાનું ભૂલી જઈશ પ્રોફિટ પર અસર પડશે। પણ હવે અસર શું પડશે એ યાદ રહેશે? નહીં બેટા, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઇંગ્સ ભૂલ ગયા તો ઉસસે હોગા ક્યા પ્રોફિટ? અગર કમ હો ગયા પ્રોફિટ તો પાર્ટનર કો ભી કમ પૈસા મિલેગા, તો યે ગલતી હો જાયેગી। નોટ લિખ લેંગે, ચલો નોટ લિખ લેંગે। When interest on drawings, when interest on drawings is missed out, when interest on drawings is missed out in calculation, then it results into lower divisible profit, then it results into lower divisible profit and lesser amount of distribution, and lesser amount of distribution of profit amongst partner. Therefore the error is to be rectified, by passing journal entry. The error is to be rectified by passing journal entry. Sure. Make the table, come on, make the table. और बेटा profit की amount घटेगी कितने से? जितना मेरा interest on drawings था उसी से अपना profit कम होगा। तो कौन कौन है जरा देखो, तो लता, गीता एंड प्रवीणा, टोटल लता गीता प्रवीणा टोटल अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कितना? अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कितना? देखो पहले से ही सम में दे दिया है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। 2700, 1200, 1500, व्हाट्स द टोटल? 5400। कैसे? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट कैलकुलेटेड, सो व्हाट विल हैपन नाउ? द प्रॉफिट विल डिक्रीज। कितने से? कितने से 5400। और कैसे पार्टनर को भी उतना कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? सो लिखा जाए डिविजिबल प्रॉफिट विल रिड्यूस एंड wrong distribution of profit is done। Again 5400 से ही profit कम हो जाएगा,
बेटा 5-400 से ही अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो अगर हम देखे तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा 1:1:1। सो कितना आएगा 1800। अब जरा डेबिट क्रेडिट करने में जरा मदद करो, क्या से ये प्रॉफिट हमने पार्टनर को उतना कम दिया है तो अभी उनको उतना प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। सो जो आइटम देनी पड़ेगी अने बिजनेस उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगा, बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम देम, तो बिजनेस को उनसे वो ये ड्रॉइंग्स लेना है, पार्टनर से वो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो पहले वाले में 900 आ रहे हैं, जरा चेक करो 900 डेबिट छे के क्रेडिट छे, डेबिट छे सरस। गीता सुजे क्रेडिट आने पहले 300 क्रेडिट बेटा, इट्स डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। चलो छोटू सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, बेटा छोटू सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। किसे डेबिट करूं किसे क्रेडिट करूं? 31317 लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू गीता कैपिटल 600 टू प्रवीणा कैपिटल 300 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट being rectified entry passed okay but that completes the sum, that completes the chapter। homework मैं तुमको दे रहा हूँ, mark कर लो पहले। illustration 1 बेटा, इलस्ट्रेशन 1 बाकी है ना अपना करना, इलस्ट्रेशन 1 देन इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन 4 बेटा 5-6 शायद हो गया है राइट। इलस्ट्रेशन 7 मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 8 मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कल टेस्ट है, परसों दिखाना है ना, कल कहां दिखाना है। कितने हो गए? अने ये वाले सम तो तुमको रिपीट करने ही हैं। पेज नंबर फिर चले जाओ 35 पर, तुम्हें वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, डू सी दैट। सो यू नीड टू लर्न द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑन पेज 35। देन ऑन पेज 36 यू आर गिवन विद द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्लीज ये दोनों चीजें याद करो, व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट विल रिवाइज द फॉर्मेट एंड देन इफ टाइम परमिट्स विल स्टार्ट द सम फुल फ्लेज, फाइनल अकाउंट्स का फिर हम सम स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो बाय।